Hello student, welcome to the class. Okay, today I am going to start scientific management, that is scientific theory or scientific principles of management. So before going to this topic, I want to complete one topic left, that is last class, principles of management. One of the principles of management is left, so that is esprit de corps. Esprit de corps. So what is the meaning of esprit de corps? It is nothing but the cooperation, or we can work in the team spirit. Okay, so esprit de corps means it is a teamwork. So when we are working in the team, then automatically we can achieve the goals easily. So here manager or management, they have to replace the I with V, that is I with V, you know, I, the letter I with V. Why? If when we are working in group, then automatically we can easily achieve the organizational goal. So that is with cooperation. So that is the esprit de corps. So 100 units aapko produce karna hai, 10 units aap produce karenge, okay? But yahan pe kya hoga, 10 group members hai, two members hai unko kuch problem ho gaya, they can't do the work. So automatically if we are working with a team or we are working with a cooperation, then automatically each other hum log kya kar sakte hai, help kar sakte hai. So yahan pe wo dono ka kaam ko bhi aap agar leke karenge, jo balance bache wale log jo hai wo auto leke करेंगे, then automatically वो डे का ग्रुप गोल जो है वो गोल को हम इजीली अचीव कर सकते हैं. अदरवाइज अगर हम अपना अपना काम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, पर्टिकुलर दो पर्सन का गोल जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, दे आर दो टारगेट जो भी है उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, दे आर इन द ग्रुप, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, देन ऑटोमेटिकली दे विल बी पनिश्ड. सो आप अगर ग्रुप में काम करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उनको पनिशमेंट से रोक सकते हैं. दिस इज द एस्प्रिट डे कॉर्प्स. ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि डेवलपमेंट ऑफ टीम स्प्रिट होगा. अगर आप एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इट डेवलप्स द टीम स्प्रिट एंड अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल. इजीली हम गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या नेगेटिव होगा, टीम स्प्रिट अचीव नहीं कर पाएंगे. लाइक हम अपना अपना काम करने में रहेंगे तो टीम स्प्रिट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, देन वहां पे गोल को भी हम इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे, दैट इज टीम गोल को भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे. सो एस्प्रिट डी कॉर्प्स के थ्रू फयाल ये बोलना चाहते हैं, दैट इज ग्रुप गोल में अगर हम काम करेंगे तो गोल्स को हम इजीली अचीव कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप समझ में आ गया होगा. नाउ वी मूव ऑन टू द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज डेवलप by F.W. Taylor. So 14 principles कौन develop किए थे? 14 principles कौन develop किए थे? Fayol. Okay? Fayol develop किए थे. Now scientific principles कौन develop किए हैं? F.W. Taylor. So हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको ये बता रहा है, एक मैन को पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना है. सो एक मैन जो है वॉट दैट इज वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू. ओके, सो आप चाहते हैं कि वो क्या काम करें, एंड सीइंग दैट दे डू इट, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. आपको ये भी देखना चाहिए जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, दैट शुड बी बेस्ट एंड इन द चीपेस्ट वे. चीपेस्ट वे में हम लोगों को करना चाहिए. ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड दैट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉस्पेरिटी हम लोगों को होगा, द प्रॉस्पेरिटी जो है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी विथ मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी विथ मिनिमम कॉस्ट, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशंस एम. अब जो भी गोल्स अचीव करेंगे आपका गोल्स में मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी रहेगा, बट द वेस्टेजेस और द कॉस्ट विल बी मिनिमम. ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट भी यही चाहते हैं. आप जो भी करना चाहेंगे वो बेस्ट होना चाहिए एंड चीपेस्ट वे में करना चाहिए. अदर थिंग सिंपल वर्ड में अगर हम बोलेंगे, अप्लाइंग दैट इज ईच अप्लाइंग साइंस ईच एंड एवरी जॉब परफॉर्मिंग बाय द पर्सन, जो भी आप परफॉर्मिंग बाय द मैनेजमेंट. सो साइंस को हर जगह पे आप साइंस को अप्लाई करेंगे, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके काम करेंगे, दैट इज नोन एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट देर आर फोर प्रिंसिपल्स. साइंटिफिक मैनेजमेंट में फोर प्रिंसिपल्स आर देयर. वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब,
then harmony, not discord, then cooperation, not individualism, then development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity. So four principles are developed by F.W. Taylor. So one by one hum dekhte hain har principle hum logon ko kya batate hain. Okay, so first principle is science, not rule of thumb. First principle is science, not rule of thumb. In this, use of science for each and every element of management. There is only one best method to maximize efficiency, and this method could be developed by study and analysis, not by rule of thumb. Manager should not take decisions based on his will or experience. Take every decision scientifically. So, scientific decision mein, we have to see that every job performed by the manager, that should be based on the scientific inquiry. Kya hai? Scientific inquiry ko base karke har job ko aapko karna hoga. Like here, before that, hum logo ye dekhna hai, what is rule of thumb? Science we know, science kya hai hum log jante hain, scientific method kaisa hoga ye hum jante hain. What is rule of thumb? Here rule of thumb means dictatorship. Kya hai? Rule of thumb means dictatorship. That means the manager who is working in the management, jo hum logon ko instruct करेंगे, guide करेंगे, the person, the manager, वो dictatorship रहते हैं, that means वो अपना ही rules को हम लोगों के ऊपर करते हैं, so वो according to that we have to work, okay, so but here F.W. Taylor आपको क्या बोल रहे हैं, science, each and every job जो भी management में जो भी perform होगा, each and every job should be on the base of science, okay, science को base करके ही हम लोगों को काम करना चाहिए, so why? Because scientific method में cause and effect relationship होता है. So cause and effect relationship के हिसाब से अगर हम करेंगे तो definitely क्या होगा? वहाँ पे हम लोगों को पता है कि कौन सा काम हम लोग करने जा रहे हैं and what is the result? एक reason, एक cause होगा and according to the cause, cause को अगर हम लोग देखेंगे तो cause के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक रीज़न होगा, आपको एक एंड रिजल्ट मिलेगा. सो इसको लेकर अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपना गोल को अचीव कर सकते हैं. बट इनके हिसाब रूल ऑफ थंब में अब जाएंगे, यहाँ पे मैनेजर क्या करेंगे, अपना डिक्टेटरशिप, दैट मीन्स डिक्टेटरशिप को यूज़ करेंगे, लाइक हिट एंड मिस मेथड्स यूज़ करेंगे, इंट्यूशन, जो मैनेजर का इंट्यूशन या मैनेजर का एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो हम लोगों को हम लोगों के साथ काम करवाना चाहते हैं. बट क्या है कि F.W. Taylor बोल रहे हैं उसको छोड़कर, दैट इज रूल ऑफ थंब को छोड़कर, अगर आप साइंस को यूटिलाइज करेंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. दैट मींस थिंकिंग बिफोर डूइंग, आपको क्या करना होगा, कोई भी काम करने से पहले आपको थिंक करना होगा कि वेदर इट इज राइट और नॉट, ये आपको देखना होगा. देन अदर थिंग इज व्हाट, आपको ये देखना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द मेथड, दैट इज ए मेथड आपको फाइंड आउट करना होगा, दैट मस्ट बी द वनली वन बेस्ट मेथड, एंड वो मेथड को लेके आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन चीपेस्ट वे में आपको प्रोडक्शन देना होगा. लाइक प्रोडक्शन देने के लिए डिफरेंट मेथड्स को अगर हम हिट एंड मिस मेथड में अगर हम करेंगे देन ऑटोमेटिकली देर विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सो बट हम क्या चाहते हैं कि रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, वी हैव टू दैट इज प्रॉस्पेरिटी हम लोगों का ज़्यादा होना चाहिए बट विद मिनिमम कॉस्ट. सो अगर हम हिट एंड मिस मेथड्स में करेंगे या ट्रायल एंड एरर मेथड में करेंगे देन ऑटोमेटिकली देर विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज. सो ये हम लोगों को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए. सो इट शुड बी मिनिमाइज ओनली विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट मेथड. वी हैव टू फाइंड द बेस्ट मेथड एंड दैट इज द ओनली मेथड एंड दैट इज द मेथड एंड दैट मेथड इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द रूल ऑफ थंब. सो ये हम लोगों को फॉलो करना होगा, यही आपको F.W. Taylor जो है इंसिस्ट कर रहे हैं. एंड देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे F.W. Taylor ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं, मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीशन, दैट इज उनका अपना एक्सपीरियंस का डिसीशन जो है यहाँ पे कोई भी डिसीशन अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं करना चाहिए. लाइक हम जानते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर एनवायरमेंट में, डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर, डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशन में डिफरेंट रहेगा. सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेजर का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस को अगर हम लाएंगे तो इट विल बी क्या होगा, डिफिकल्ट हो सकता है, हर टाइम हर जगह पे ये काम नहीं आएगा। देन नेक्स्ट मैं ये FW टेलर ये इंसिस्ट कर रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे साइंटिफिकली आप करेंगे, साइंटिफिक मेथड को आप यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, ईजिली आप कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो डेवलप जो भी आप मेथड्स डेवलप कर रहे हैं वो मेथड्स जो है जो आपको ये बोला गया है कि ओनली वन बेस्ट मेथड होना चाहिए एंड दैट मेथड शुड बी डेवलप्ड बाय वे ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस। आप जानते हैं कोई भी मेथड को हम एनालिसिस करके ही, स्टडी करके, एनालाइज करके ही हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो FW टेलर ये इंसिस्ट कर रहे हैं आपको कि मेथड जब भी आप यूज़ करेंगे दैट मेथड शुड बी डेवलप्ड बाय वे ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस। ओके, नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ मैनेजर हैज टू फिक्स अ स्टैंडर्ड टाइम। ओके, सो इफ अ मैनेजर वॉन्ट्स टू फिक्स अ स्टैंडर्ड टाइम टू कम्प्लीट अ टास्क देन ऑटोमेटिकली मैनेजर क्या करेंगे, रूल ऑफ थंब में क्या होगा, मैनेजर अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी टाइम है वो टाइम स्टैंडर्ड टाइम को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट क्या है कि FW टेलर क्या इंसिस्ट कर रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू फिक्स अ स्टैंडर्ड टाइम देन ऑटोमेटिकली यू how to find out the method to fix a standard time to complete a particular task। अगर ऐसा करेंगे तो हर काम में आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह स्टैंडर्ड टाइम को आप फिक्स कर सकते हैं बाय वे ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो दिस इज द मैनेज साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सेकंड रूल दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ओके, सो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड दैट मीन्स हियर द मैनेज द FW टेलर insist that the management group and the worker group, they both work together. That is, work together means there must be mutual give and take, okay? Mutual give and take. That is, mutual give and take and a proper understanding. That is, management and workers ke beech mein mutual give and take method and a proper understanding hona zaruri hai, okay? So, yahan par discard means what? Management group and the workers group ke beech mein hamesha conflicts rehna. That is known as a discard. ओके, सो हियर हार्मनी के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक मेथड होना चाहिए। सो FW टेलर यही इंसिस्ट कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रहेंगे वो वर्कर्स हार्मनी के साथ में एंड गिव एंड टेक मेथड के साथ में अगर काम करेंगे तो हम इजीली अपना गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नाउ हियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। ओके, सो कौन कौन पीपल है, वन इज वर्कर ग्रुप एंड अनदर वन इज वर्कर ग्रुप एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट ग्रुप। ओके, सो वर्कर ग्रुप पीपल एक है एंड मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, दे आर वर्किंग राइवल्स, दैट इज उन लोगों का वर्क कैसा होगा, लाइक दोनों के बीच में अनबन रहेगा। ओके, लाइक दे थिंक दैट वो अलग है हम अलग है, ऐसा ऑलवेज वर्कर्स ये थिंक कर रहे हैं, वर्कर्स का थिंकिंग ये रहेगा, ये द वर्कर्स फील दैट दे आर अंडर पेड, क्या है, दे आर अंडर पेड एंड ओवर बर्डन विद वर्क, दे आर अंडर पेड एंड overburden with the work and management always feels that the workers are good for nothing, the workers are good for nothing, so दोनों के बीच में different opinion है, workers का worker को जो है management के through जो है different opinion है, management जो है workers के through different opinion रखते हैं। but actually क्या है, हम organization में कोई भी goals achieve करना चाहते हैं there must be coordination, हम already पढ़े हैं, so coordination होना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो हार्मनी के साथ अगर हम काम करेंगे सो ये सब हो सकता है, इजीली गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो फॉर दैट टेलर इंसिस्ट दैट ये जो है वर्कर्स ग्रुप एंड जो मैनेजमेंट ग्रुप्स के अंदर जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन को वो क्या करना चाहते हैं, think that they should change their opinion of each other, so okay, among each other dono ke beech mein jo bhi opinion hai opinion ko change karna chahte hain, so kaisa hum change kar sakte hain FW Taylor insist that with the help of mental revolution, so what is mental revolution, mental revolution here the person has to fully change their attitude and
दे हैव टू चेंज ऑल द एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर. दोनों ग्रुप के लिए जो है अपना पूरा एटीट्यूड एंड आउटलुक को चेंज करना चाहिए. दिस इज ओनली फॉर द प्रोडक्शन. ओके, सो क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, एंड हमारा एम जो है टूवर्ड्स डायरेक्ट टूवर्ड्स द कॉमन गोल. सो कॉमन गोल के लिए हम जब काम कर रहे हैं, देन वी हैव टू गो विद ईच अदर. ओके, वर्क विद ईच अदर, ये जो है एफ डब्ल्यू टेलर इंसिस्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है एफ डब्ल्यू टेलर ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट both the group has to work together and both the group has to change their opinion for each other, then here FW Taylor insists that the manager has to share their gain. If the company is having gain, then at the time the manager has to share their gains with the workers. So at the same time workers also do their best or contribute their best to achieve the organization goals, because workers always feel that they have to earn more. So if they want to earn more, they have to give more production. So when there is more production, automatically organization goals bhi achieve ho sakta hai. So hum cooperation ke saath mein, other harmony ke saath mein agar hum kaam karenge, definitely hum kya kar sakte hain, goal ko achieve kar sakte hain. Then other thing, FW Taylor ye bhi insist kar rahe hain, we have to follow the paternalistic management, paternalistic वर्क. ओके, सो क्या है पैटर्नलिस्टिक वर्क? दैट इज जापानीज कंपनीज जो है ये प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं. दैट मीन्स हियर द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट, ये दोनों जो है एक साथ काम कर रहे हैं. द मैनेजमेंट फील दैट द वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो एट द सेम टाइम वर्कर्स भी क्या करते हैं, इफ़ देर इज एनी एजिटेशन विद वर्कर्स, बट दे नॉट शो द एजिटेशन बाई गोइंग टू स्ट्राइक और समथिंग एल्स, बट क्या करते हैं, रादर देन दे टाई अ ब्लैक रिबन विद देम, देन ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को पता चल जाता है समथिंग इज देयर. देन मैनेजमेंट क्या करते हैं, उन लोगों का वो जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाता है. सो एफ डब्ल्यू टेलर फील्स दैट अगर इस तरह का अगर हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्मूथ रनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज अ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. देन वी मूव ऑन टू द थर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कार्ड. ऑलरेडी हम जो प्रिंसिपल जस्ट ना हम देखे थे, प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, उसका एक्सटेंशन ही है ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो हियर ऑटोमेटिकली विद द वर्ड इट्सेल्फ आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं एफ डब्ल्यू टेलर. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दैट मीन्स द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, उन लोगों क्या करना चाहिए, एक साथ में काम करना चाहिए. मैनेजमेंट को अपना ही तरीका या अपना ही कुछ फॉलो नहीं करना चाहिए या इंड्यूस नहीं करना चाहिए वर्कर्स के ऊपर. दे वर्क विथ कोऑपरेशन, दे वर्क विथ हार्मनी. अगर ऐसा काम करेंगे तो क्या हो सकता है, हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं. सो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉइज. अगेन एफ डब्ल्यू टेलर ये इंसिस्ट कर रहे हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान अ स्टैंडर्ड टास्क फॉर अ वर्कर, देन ऑटोमेटिकली एट द टाइम इफ आप जो है वर्कर्स का सजेशंस को अगर वेलकम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वर्कर फील बेटर. सो व्हेन वर्कर फील बेटर और वर्कर सेटिस्फाइड, देन ऑटोमेटिकली दे विल गिव देयर बेस्ट. देन अगेन आप जब सजेशंस वेलकम कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली यू हैव टू गिव सम रिवॉर्ड फॉर अ बेस्ट सजेशन. बेस्ट सजेशन जो भी होगा, वो बेस्ट सजेशन को अगर आप रिवॉर्ड करेंगे, देन ऑटोमेटिकली अगेन वो क्या कर सकते हैं, दे फील बेटर और दे फील सेटिस्फाइड. सो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड ऑलरेडी हम पढ़े हैं, सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज गिव मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट देर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन, दैट मीन्स
यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि वो अपने अलग से, मैनेजमेंट अपना अलग से एंड वर्कर्स अपना अलग से काम नहीं करना चाहिए। देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि ईच एंड एवरी पर्सन, अगर कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ में अगर हम काम करेंगे, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द वर्कर हैज़ टू कम्युनिकेट ओपनली टू द मैनेजमेंट, देन ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। सो हियर देयर इज नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियन एंड अदर थिंग्स। सो इसके थ्रू, इसका वजह से क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगेन FW टेलर ये इंसिस्ट कर रहे हैं इक्वल डिविजन ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट एंड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। डिविजन ऑफ वर्क जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, डिविजन ऑफ वर्क, सो FW टेलर भी यही इंसिस्ट कर रहे हैं, देर मस्ट बी इक्वल डिविजन ऑफ वर्क विद इन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे सभी को जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इजीली जो है काम कंप्लीट हो सकते हैं। एंड अदर थिंग इज व्हाट, मैनेजमेंट हैज़ टू वर्क विद, वर्क टुगेदर विद द वर्कर्स डे लॉन्ग। दैट मीन्स आप जो है वर्कर्स के साथ में हमेशा रहेंगे, उनको सजेशन देंगे, उनको गाइड करेंगे, देन उनको उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे फॉर द स्मूदिंग एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, देन ऑटोमेटिकली दे फील बेटर, वर्कर फील बेटर। सो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है। ओके, व्हेन द वर्कर्स जो है आस्क टू डू सम वर्क बिफोर दैट, इफ अ मैनेजमेंट आस्क देयर इंटरेस्ट, वर्कर्स का इंटरेस्ट अगर पूछते हैं, देन ऑटोमेटिकली द वर्कर हैज़ टू गिवन द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। देन वर्कर्स क्या कर सकते हैं, अपना जो इंटरेस्ट के साथ में दे विल गिव देयर बेस्ट, देन ऑटोमेटिकली गोल्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज द कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट प्रिंसिपल्स आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हियर वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इज डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। ओके, सो वर्कर्स एफिशिएंसी इज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग। सो दैट मीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ देयर इज द efficient workers, then automatically वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, whatever be the goal can be achieved easily. So efficient worker होना ज़रूरी है। So efficient worker को हम कैसा ला सकते हैं, we have to select the efficient workers. Okay, efficient worker को select करना चाहिए, and then we have to give proper training. So proper training भी देना चाहिए, selection भी हम लोगों को proper selection भी करना चाहिए। So once the persons are selected, they have to give the job according to their qualification. So qualification ke hisab se unko job dena chahiye. And other thing is, once the job is given, but they have to give training time to time, they have to be given training to update their knowledge. So aisa nahi hai ek persons ko aap appoint kar diye, long run they have to work with the same qualification they are having, aisa nahi hai, because it is a changing time. So according to the changes, they also have update karna chahiye. Kya karna chahiye, unko apna अपडेट रखना चाहिए, नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। सो फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू द पर्सन टाइम टू टाइम। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्या हो सकता है कि एफिशिएंसी के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। वंस द एफिशिएंट पीपल, जो एफिशिएंट वर्कर होंगे, एफिशिएंट वर्कर काम करेंगे, सो एफिशिएंट वर्कर दैट इज एम्प्लॉयज का भी प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी होगा, एम्प्लॉयर का भी प्रॉस्पेरिटी होगा। एंड वी नो दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is depend upon the prosperity of the employer and employee. ये नहीं है कि एक जन का prosperity से, employer का prosperity से ही organization का prosperity होगा, ये नहीं है। employer and employee दोनों का prosperity होगा, automatically organizations का भी prosperity होगा। So this is the मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय FW टेलर। ओके, सो क्या क्या प्रिंसिपल्स हम लोग देखे थे, 4 प्रिंसिपल्स आर देयर, साइंस नॉट रूल ऑफ दम, फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, अलॉन्ग विद दिस प्रिंसिपल, लाइक
एवरी प्रिंसिपल्स अगर हम साइंटिफिक वे में, दैट इज ये प्रिंसिपल्स, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर देयर, वी वांट टू यूज दिस प्रिंसिपल, वी हैव टू डेवलप सम मेथड्स एंड सम टेक्निक्स. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक्स एंड मेथड्स अगर हम काम करेंगे तो इजीली गोल्स को अचीव कर सकते हैं एंड वो मेथड हम डेवलप कर सकते हैं. सो क्या है वो हम देखेंगे, दैट इज एफ डब्ल्यू टेलर कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हम लोगों को दिया है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं वॉट आर ऑल द टेक्निक्स. साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर, सो अंडर दैट नंबर वन फंक्शनल फोरमैनशिप, नंबर टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, नंबर थ्री वर्क स्टडी, नंबर फोर डिफरेंशियल वेज सिस्टम, डिफरेंशियल वेज सिस्टम. ओके, सो दिस आर ऑल द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो भी हम डिस्कस किए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड वन ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स, ये आपको समझ में आ गया होगा. गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, देन घर में रहिए, सेफ रहिए. ओके, थैंक यू.